झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या के मामले में एसपी मृदुल कुशवाहा ने बदमाशों की कमर तोड़ने वाला एक बड़ा कदम उठाया। राकेश झाझड़िया की हत्या के बाद धरने पर बैठे उनके समर्थकों को भरोसा देने के 8 घंटे बाद ही एसपी मृदुल कुशवाहा ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर में बदमाशों के अड्डे के रूप में पहचाने जाने वाले लाल कोठी में रेड करी और एसपी ने केवल रेड ही नहीं कर डाली बल्कि लाल कोठी को कानूनी नियमों के मुताबिक अपने अंडर भी लिया, कानूनी नियमों के मुताबिक अंडर लिया जिसमें अब पुलिस चौकी खोली जाएगी। जानकारी के मुताबिक रात के करीब 9 बजे एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह और शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा के नेतृत्व में भारी पुलिस आपदा अचानक से रानी सती मंदिर के समीप स्थित लाल कोठी पहुंचा, जहां पर चारों तरफ से लाल कोठी को घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस का जाब्ता जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन भारी मात्रा में लाठी और सरिया और लोहे की पाइप जरूर मिली। पुलिस ने लाल कोठी से करीब 2 ट्रकों में भरकर सामान जब्त कर कोठी को पूरी तरह से खाली करवा दिया। वहीं पर कोठी के मालिकाना हक को लेकर विवाद को देखते हुए उसे अपने अंडर में ले लिया और पुलिस अब इस कोठी में पुलिस चौकी स्थापित करने की प्लानिंग कर रही है। रेड के दरमियान एसपी मृदुल कुशवाहा भी पहुंचे और उन्होंने पूरी कोठी का जायजा लिया और यहां तक कि कोठी में बने बेसमेंट का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर सिर्फ पुराना कबाड़ ही मिला। फिलहाल इस रेड को लेकर पुलिस भी कुछ नहीं कह रही है। संदीप केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बदमाशों का अड्डा, अब बनेगी पुलिस चौकी, क्या कार्रवाई? बड़ी कार्रवाई के नेतृत्व में बीती रात को हुई है। देर रात को पुलिस की जो टीमें हैं वो वहां पर लाल कोठी पहुंची थी, जहां पर लगातार विवाद आ रहा था और लाल कोठी की जांच की मांग की जा रही थी। लेकिन पुलिस ने जब इसकी पड़ताल की तो इसके मालिकाना हक को लेकर विवाद दिखा, तो पुलिस ने जब रेड मारी तो रेड के वक्त वहां पर कोई नहीं मिला। करीब 2 ट्रकों में भरकर सामान को जब्त किया। अब पुलिस ने बड़ा एक्शन करते हुए इस लाल कोठी के विवाद को बंद करने के लिए अपनी चौकी स्थापित करने का फैसला लिया है। संभवतः आज या कल में यहाँ पर चौकी स्थापित कर दी जाएगी, जिसके बाद एक तरह से बदमाशों का अड्डा है वो निस्तारूपूत हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई बदमाश रहते भी है। इसके अलावा पुलिस एचपी ने रात को ही सभी पुलिस अधिकारी को निर्देश दिए कि जहां पर बदमाशों का अड्डा है, जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, उनको चिन्हित किया जाए और उनको जो राज हक में नियमानुसार लिया जाए और उसको उस हिसाब से फिर आगे मेंटेन किया जाए, ताकि बदमाशों के अड्डे को खत्म किया जाए। और एक बहुत बड़ा फैसला शहर की अमन शांति सुख चैन के लिए किया गया, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि लाल कोठी में बदमाशों का अड्डा रहता है, हर वक्त वहां से बदमाश। लेकिन जो कत्ल का मामला है उसको लेकर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? ये उसके लेकर भी जब कल धरने पर बैठे थे उनके समर्थक है, जो राकेश झाझड़िया के समर्थक है, धरने पर बैठे थे तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि वो उनकी जो 7 सूत्री मांगे हैं उनमें आरोपियों की गिरफ्तारी भी एक मांग थी। तो 4 टीमें अलग अलग गठित की गई है और कुछ सफलता भी पुलिस को आ लगी है। हो सकता है कि आज पुलिस इस मामले में कोई खुलासा कर दे। लेकिन इस मामले में एक बात और बताऊंगा कि हनुमान बेनीवाल भी सक्रिय है। आज हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो आरएलपी है उसके 3 विधायक झुंझुनू पहुंचने वाले हैं और पूरे मामले की जो जानकारी वो परिजनों से लेने वाले हैं। जी, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस चौकी यहाँ पर स्थापित हो जाएगी तो आसपास लोगों को भी कुछ राहत मिलेगी। कुछ ऐसी वारदातें जो इलाकों में पिछले दिनों में होती रही हैं, लोग क्या सोचते हैं, आसपास के लोग क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इसे लोग एक बहुत बड़ा कदम मानते हैं और जैसे मैंने बताया कि कानून व्यवस्था को काफी सहारा मिलेगा। हालांकि इससे कुछ दूर पर रानी सती मंदिर है, सेठ मोतीलाल कॉलेज है, इसके अलावा शहर की जो मध्य इलाका है, ताल या गांधी चौक अपन कह सकते हैं, वो है। तो कुल मिलाकर काफी अच्छी कानून व्यवस्था के लिए काफी अच्छी जगह मिलेगी और कुल एक खास बात यह है कि बदमाशों का अड्डा है वो खत्म हो जाएगा जहां पर लोग बदमाश। और ये अच्छा कदम है और ऐसे कदम जो है ये उठाने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बदमाश जो है अलग अलग जगहों पर अपने अड्डे बना के खुद को हिफाजत में रखते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बदमाशों को वहां से खदेड़ा जाए, उनकी जगह जो है वो सलाखों के पीछे है और ऐसे अड्डे जो है वहां पर पुलिस चौकी बन जाए तो कानून व्यवस्था और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। सीकर के रामगढ़